हेलो एवरीवन। तो आज है 10th ऑफ अगस्त, और चलिए बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था और कल एक्सपायरी में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे आज सुबह आपने जो मुझे ट्विटर में फॉलो करते हैं उन लोग के लिए मैंने अपडेट कर दिया था कि बी कॉशस, क्योंकि अचानक से बैंक निफ्टी का स्कोर गिर गया था और निफ्टी का भी स्कोर नेगेटिव जोन में था। तो यही आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का स्कोर 9:26 AM में ही -38 हो गया था। फिर मार्केट थोड़ा वॉलाटाइल था, तो इसलिए पहले थोड़ा बहुत स्कोर मार्केट वॉलाटाइल रहता है तो स्कोर भी एडजस्ट होता है, फ्रेश डेटा आता है तो स्कोर भी एडजस्ट होता है। फिर जाके इधर देखिए 17 से एकदम -17, सो 34 पॉइंट्स फॉल, जस्ट नेक्स्ट स्कोर में। तो 9:33 तक हम लोग श्योर हो गए थे कि अभी फॉल आने वाला है, तो उसके बाद एकदम स्कोर नेगेटिव में चला गया था। तो और 9:33 में अगर निफ्टी का भी स्कोर देखा जाए तो -11 -6 पे गया था। तो बैंक निफ्टी का स्कोर गिरा था ह्यूजली और निफ्टी का स्कोर माइनस जोन में जा रहा था। तो हाँ, तो यही था, इसलिए मैंने मेंबर्स को और ट्विटर मेंबर्स को भी अपडेट कर दिया था। और जब उसके बाद अचानक से, आप उसका टाइम भी देख सकते हैं, 10:16 AM, उसके बाद जब मार्केट अचानक से ऊपर आ गया तो तब ये मैंने बोल दिया था कि सबको लगा था कि अब एकदम रॉकेट होके ऊपर चला जाएगा। नहीं, वैसे नहीं होता है, क्योंकि जो सुबह जो फॉल हुआ था उसका रीज़न था कि कॉल शॉर्ट्स हुआ था, लेकिन जब अचानक से ऊपर चला गया तो मैंने जब नीचे भी जा रहा था लेकिन मैंने ऑब्जर्व कर रहा था कि जो पुट शॉर्ट पोजीशंस बनाया हुआ था बड़े प्लेयर्स के द्वारा, हमने लास्ट एंड ऑफ द डे डेटा में भी देखे थे कि बिग प्लेयर्स FIIs में ने पुट शॉर्ट किया था और आपका कॉल लॉन्ग किया था, लेकिन कॉल लॉन्ग उन लोगों ने हेजिंग किया था फ्यूचर शॉर्ट से। तो इसलिए उन लोगों को ओवरऑल प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि सब हम लोग कभी ऐसे नहीं करते कि कॉल बाय करके फ्यूचर्स में हेज करते हैं, तो उतना भी हेजिंग रिटेल ट्रेडर्स नहीं करते। मैक्स टू मैक्स हम लोग पुट शॉर्ट करके पुट बाय कर लिए, हेज कर लिए, या कुछ ये सब जो स्ट्रेटजीज है ऑप्शन चेन का हेजिंग पर्पस के लिए, तो वो सब अप्लाई करते हैं। लेकिन हाँ, यही है, FIIs ने जो पुट शॉर्ट पोजिशन था उसने, अगर मार्केट और भी नीचे चला जाता तो उन लोगों का डबल लॉस होता, पुट शॉर्ट्स में भी और कॉल लॉन्ग जो किया था, तो वो लॉस फिर लॉस में चला जाता। लेकिन इसमें क्या है कि पुट शॉर्ट पोजीशंस बच गए और आपका कॉल लॉन्ग जो किया था वो एडजस्ट हो गया फ्यूचर शॉर्ट से। तो यही मेन चीज़ है कि FIIs का जो डेटा था पिछले दिन का, तो आज का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाँ, तो यही मैंने बोल दिया था कि जब मार्केट नीचे जा रहा था तो पुट शॉर्ट्स जो हुए थे वो क्लोज नहीं हो रहा था, ठीक है, तो अचानक से ऊपर चला गया तो तब मैंने देखा कि और भी थोड़ा पुट शॉर्ट्स होने लगा था। और लेकिन फिर कॉल शॉर्ट्स ने, वो सारे जो कॉल शॉर्ट सुबह बने थे वो क्लोज नहीं हो रहा था। तो पुट शॉर्ट्स और कॉल शॉर्ट्स दोनों ही एकदम इंटैक्ट थे, पिछले दिनों का जो पुट शॉर्ट्स था बड़े प्लेयर्स के का और आज का सुबह का जो एकदम ह्यूज कॉल शॉट्स था, दोनों ही एकदम इंटैक्ट थे। तो इसलिए मैंने बता दिया कि अभी दोनों के अंदर फाइट होगा और कुछ नहीं। तो आप उसके बाद देख सकते हैं कि एकदम मार्केट ऑलमोस्ट इधर उधर करने लगा, फ्लैट था ऑलमोस्ट। तो इसके बाद जो हम लोग सब रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हो गए थे कि अब हाँ एकदम रॉकेट चलेगा, तो नहीं हुआ। देख सकते हैं आप क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न तो मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। तो यही था रीज़न। और ये जो लास्ट में एक अप मूव था तो सबको लग रहा था मार्केट गिरेगा गिरेगा, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर जाके स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा था। लेकिन ये जो है कि कॉल शॉर्ट्स हुआ था, तो और मैंने भी आज 17,700 पे फाइनली कल के लिए, मार्केट जब सुबह नीचे गया तो ट्रेड हो गया, फिर भी इधर जब घूम रहा था तो जो हम लोग पिछले दिन का जो मंडे का पुट शॉर्ट था वो सुबह ही आप 25 to 30, सो एग्जैक्टली 27 to 40% में हम लोग क्लोज कर दिए थे, ओवरऑल प्रॉफिट का 27 to 40%। ये 27 to 40% ROI नहीं है, ये
जो आप जब शॉर्ट करते हो ना, तो टोटल जो आपको प्रॉफिट रहता है, जो अगर ऑप्शन वैल्यू जीरो हो जाएगा तो उसका टोटल प्रॉफिट का 27-40%। और बाद में मतलब ये जो पुट शॉर्ट्स और कॉल शॉर्ट्स जब जो बनाया, वो भी मतलब दिन के दौरान ही मतलब 50% डिक्रीज हो गया था। ठीक है, तो आप अगर कॉल शॉर्ट्स का वैल्यू देखोगे 933 या 935 के बाद, और ये मतलब आप मतलब इधर जब कितना बज रहा था, हाँ इधर मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 145 में मैंने देखा कि मतलब ये 50% डिक्रीज हो गया था कॉल शॉर्ट्स का जो वैल्यूज था। तो हाँ, यही मेन चीज़ था कि आज कॉल शॉर्ट्स भी प्रॉफिटेबल था। तो फिर जब हमने क्लोज कर दिए, उसके बाद कल के लिए पोजीशन जो इनिशिएट किए वो है 17,700 कॉल शॉर्ट्स और 17,300 पुट शॉर्ट। लेकिन एक मतलब प्रॉब्लम है, वो मैं अभी बताऊंगा। तो हाँ, यही है कि बैंक निफ्टी का भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में तो हाँ, हम मैंने वार्न कर दिया था, फिर ऊपर चला गया, और फिर बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ था। लेकिन बैंक निफ्टी का ये जो लाइन था 38,300, ये मैंने जो पिछले वीडियो में भी बोला था, तो ये जो लाइन जब टूट रहा था तभी हम लोग मतलब बहुत केयरफुल हो गए थे। तो उसके बाद एक फॉल आया, फिर ऊपर जब चला गया यही लाइन सपोर्ट दे रहा था, और जब ये टूट गया और फिर से ऊपर चला गया, और फिर मतलब यही लाइन एक मेन इम्पॉर्टेंट जोन था आज के लिए बैंक निफ्टी का। तो हाँ, आप जैसे जानते हो, अगर ये लाइन टूट गया तो 37,908 ये मतलब नेक्स्ट सपोर्ट के लिए काम कर सकता है, जैसे जैसे ये पिछले दिनों में भी काम किया था। और चलिए एंड ऑफ द डे का बात कर लेते। तो जैसे आप देख सकते कि FIIs ने आपका फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस घटाया है, और एक हेवी अमाउंट से घटाया है, और फ्यूचर्स शॉर्ट पोजीशंस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ऑलमोस्ट सेम ही है बोल सकते हैं। लेकिन मतलब फ्यूचर्स अभी टोटली बैलेंस्ड है, ऑलमोस्ट बैलेंस्ड। ठीक है, आप कह नहीं सकते एग्जैक्टली एकदम बुलिश और ये बियरिश, तो दो एकदम बैलेंस्ड आप न्यूट्रल बोल सकते हैं। और ऑप्शन का डेटा अगर देखा जाए तो पुट शॉर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन पुट कवरिंग हुआ है। तो शायद उन लोग प्रॉफिट में थे, फिर उन लोग ने कवर किया है, तो कल भी शायद कवर कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर निफ्टी में मैं 17,300 पे पुट शॉर्ट्स करके बैठा हूँ, लेकिन अगर निफ्टी 17,450 भी क्रॉस करता है तो मैं क्लोज कर दूंगा। क्योंकि आप देखिए कि इन लोग ने पुट शॉर्ट पोजीशंस क्लोज तो किया है, लेकिन पुट लॉन्ग किया है। तो आप पिछले थर्सडे क्या हुआ था तो आप लोगों को मालूम है। तो मतलब मैं रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि पिछले थर्सडे का एक्सपीरियंस बहुत मतलब खराब था। तो हाँ, तो चलिए, तो आपको ऑलवेज एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड करना पड़ता है। और हाँ, ये जो कॉल लॉन्ग का बात किया जाए, तो कॉल लॉन्ग में आप देख सकते हैं कि कॉल लॉन्ग थोड़ा बहुत घटा है, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट सेम है कॉल लॉन्ग पोजीशंस। तो और हाँ, कॉल शॉर्ट पोजीशंस हुआ है, तो कॉल शॉर्ट्स हुआ है और कॉल लॉन्ग ऑलमोस्ट जो था वही है, और पुट लॉन्ग किया गया है और पुट शॉर्ट्स डिक्रीज किया गया है। लेकिन स्टिल पुट शॉर्ट्स का जो अमाउंट है वो दैट इज क्वाइट हैवी। तो ऐसे में सोचिए कि मतलब हाँ, मतलब अभी पुट लॉन्ग किए तो एकदम ही नीचे जाने वाला है, लेकिन वैसे नहीं। लेकिन फिलहाल अब मेन कंक्लूजन पे आते हैं कि बुलिश या बियरिश या न्यूट्रल न्यूट्रल। तो देखिए, बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पुट शॉर्ट्स नहीं है और उल्टा पुट लॉन्ग किया गया है और कॉल शॉर्ट्स किया गया है। तो ऑप्शन का डेटा तो बुलिश नहीं है, और फ्यूचर्स का डेटा भी बुलिश नहीं है, क्योंकि फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस क्लोज किया गया है और शॉर्ट पोजीशंस एकदम मतलब बिल्कुल इंटैक्ट है। तो बुलिश तो नहीं है, लेकिन हाँ, बियरिश बता सकते हैं क्या? तो बियरिश भी आप अगर बताओगे हाँ, फ्यूचर्स का डेटा अभी मतलब टेम्पोरली बियरिश दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे जा सकते हैं, क्योंकि इतना सारे आपका फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस क्लोज किया गया है और पुट लॉन्ग भी किया गया है, कॉल शॉर्ट्स भी किया गया है। तो हाँ,
थोड़ा बहुत बियरिश दिख रहा है, लेकिन बहुत हैवी बियरिश नहीं है, क्योंकि फिर कॉल शॉर्ट्स का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता पुट शॉर्ट से। तो यही है कि मतलब आप एकदम बियरिश मतलब मत सोचिए कि एकदम 500 पॉइंट 300 पॉइंट गिर जाएगा, गिर सकता है लेकिन एक्सपेक्ट मत कीजिए, कल क्या होता है वो देखिए। लेकिन ओवरऑल मार्केट मतलब अपसाइड लिमिटेड है और बियरिश है, लेकिन ज़्यादा बियरिश भी नहीं है, तो यही मेन कंक्लूशन है। तो हाँ, तो इसके बाद तो मतलब बियरिश नहीं है और हल्का बियरिश है, मतलब ये 17,400 पे भी आके फिर से सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। और यही मेन चीज़ है कि मतलब थोड़ा बहुत बियरिश है। और अगर देखा जाए तो मतलब ह्यूज कॉल शॉर्ट्स होता है कल, अगर 17,300 पे भी तो सॉरी 17,400 पे भी तो फिर हम लोग देख लेंगे। और हाँ, ये तो अपडेट्स था आज का। और जो FIIs तो कंटिन्यूअस बाई कर रहे हैं, DIIs सेल कर रहे हैं। और जो सेक्टर्स का बात किया जाए, ओवरऑल मार्केट आप देखेंगे तो हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो मतलब एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो फेवरेबल नहीं है। और हाँ, लेकिन उतना भी ज़्यादा गैप नहीं बना है, ऑलमोस्ट अभी भी चांसेस है रिकवर करने का। और आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में भी आधे बुलिश और आधे मतलब आधा ग्रीन में क्लोज हुआ, आधा रेड में। और इधर भी मतलब निफ्टी फिफ्टी में 30 एडवांस 20 डिक्लाइंस इधर फेवरेबल दिखा रहा है। एक बार रिलोड कर लेते, हाँ इधर फेवरेबल दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में फेवरेबल नहीं है। और इधर भी सेक्टर्स का बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि मेटल अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन FMCG आईटी सेक्टर्स ने परफॉर्म नहीं किया है। तो यही है बात। और कल के लिए जो हाँ ऑप्शन चेन देख लेते हैं, तो ऑप्शन चेन में आपका रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ निफ्टी में पहले चलते हैं, तो निफ्टी में जैसे आप देख सकते हैं कि 17,000 हाईएस्ट ओआई कहाँ है, तो हाईएस्ट ओआई है आपका 18,000 पे। तो 18,000 छोड़िए, अभी उसके बाद हाईएस्ट कहाँ है, 17,800 पे। सो 17,800 पे उसके बाद है, और फिर उसके बाद 17,600 पे है, ठीक है। और फिर उसके बाद 17,700 और नहीं, उसके बाद 17,500, फिर 17,700। तो जो मुझे लगता है कि आई एम सेफ एट 17,700, लेकिन 17,300 इधर पुट शॉर्ट्स आप देखेंगे कि इधर थोड़ा बहुत क्लोज हुआ है 17,400 पे। तो यही मेन चिंता का विषय है। तो और पुट लॉन्ग भी किया गया है, तो देखते हैं कि कल क्या होता है। लेकिन अभी भी मतलब पुट शॉर्ट्स पोजीशंस जो FIIs का है वो फिर भी इंटैक्ट हैं, तो उन लोग पुट बाई भी कर सकते हैं, क्योंकि दे वांट टू आई मीन इफ मार्केट गोज डाउन ऑल्सो देन ऑल्सो दे वुडन मेक एनी लॉस, या उन लोग को लॉस नहीं होगा पुट शॉर्ट्स में, इसलिए भी पुट बाइंग कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा। लेकिन हाँ मतलब हम लोग को सचेत रहना पड़ेगा क्योंकि पुट बाइंग जो हुआ है। लेकिन आप मतलब पुट एकदम मतलब आग बंद करके पुट बाई मत करने जाओ, आप कॉल शॉर्ट्स करो। और हाँ, अगर आप देखते हो कि कल बहुत पुट शॉर्ट्स हो रहा है, फिर कॉल शॉर्ट्स भी मत कीजिए, और आप मतलब जो आपका एनालिसिस बोल रहे हैं वही कीजिए। लेकिन अभी फिलहाल जो स्ट्रेटेजी है वो है कि आप कल कॉल शॉर्ट्स करो 17,600 17,700, और अगर हो सके 17,500 पे भी। तो यही स्ट्रेटेजी रहेगा। और जो आपका बैंक निफ्टी का है, सिंस बैंक निफ्टी का आपका वन डे चार्ट पे चलते हैं, हाँ तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 17,38,700 पे। तो 38,700 ऑप्शन चेन में जाके देख लेते हैं उसके। तो बैंक निफ्टी में भी आज कॉल शॉर्ट्स हुआ था,
38,500 पे आज कॉल शॉर्ट्स हुआ था, तो 38,700 इधर आप कॉल शॉर्ट्स कर सकते हो, 38 या उसके ऊपर भी जाके आप कॉल शॉर्ट्स कर सकते हो। 38,600 38,500 पे जहाँ आज कॉल शॉर्ट्स हुआ तो वो भी कर सकते हो। तो यही है मतलब कल के लिए सेफ स्ट्रेटेजी। और हाँ, अगर पुट बाइंग बनता है तो आप कीजिए, नहीं तो आपका एनालिसिस अगर बोलते कि हाँ पुट बाइंग के लिए फेवरेबल है देन यू गो फॉर इट, अदरवाइज जस्ट स्टिक टू द कॉल शॉर्ट्स। ओके एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ट्रेड सेफली।